अली बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, बहुत हम्बल, बहुत जॉली और दोस्तों का दोस्त था वो। ही डिजर्व्स द हाईएस्ट अवार्ड इन दिस कंट्री। मेरी हमदर्दियाँ हैं तमाम फैमिलीज के साथ, कोशिश करके जाऊँगा उनकी फैमिली को मिलने। पाकिस्तान के जो मौजूदा क्लाइंबिंग कम्युनिटी है उनमें सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी हैं, सबसे ज़्यादा पीक्स क्लाइंब किए हैं और विंटर में नंगे पर्वत करना कोई मामूली बात नहीं है। जिस क्लिप की आप बात कर रहे हैं, जल्दी में था कि एक बंदे ने आके मास्क लगा के, ट्रिकी सवाल थे उसके। अगर किसी को मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई है, उनकी फैमिली की, रिश्तेदारों की, चाहने वालों की, तो मैं माजरत खा हूँ। अली कोई 10-11 साल पहले मिला हूँ उनको मैं। बहुत ही खूबसूरत इंसान थे एज ए ह्यूमन बीइंग, और बहुत हम्बल, बहुत जॉली और दोस्तों का दोस्त था वो, और हर दिल अजीज़ थे वो। जहाँ भी होते थे, जिधर भी जाते थे, यूरोप में हूँ ट्रेवल पे या इधर हूँ एक्सपेडिशन पे हूँ, सबको हंसाना और खुश रखना, और उनके साथ एक बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था। बाकी एज ए क्लाइंबर मेरे ख़्याल में अली जैसे बहुत कम पैदा हुए हैं इस मुल्क में। ही वॉज़ द हीरो ऑफ दिस कंट्री, दिस नेशन। मेरा भी हीरो था, क्योंकि मैंने जिन मुश्किल हालात में थोड़ा बहुत किया है उनको कंटिन्यू कर रहा था ये। अली इज़ ए काइंड ऑफ यू नो मिशन केयरिंग पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन। उस लिहाज से हमारा काफ़ी एक्टिविटी भी रहा है, बहुत सारे हमारे एक्सपेडिशन के साथ वो गया है और क्लाइम किया नंगे पर्वत, और कुछ रेस्क्यू मिशन भी हमारे साथ था। तो मैं उनको फॉलो करता रहता था, जाहिर है हमारे मैसेजेस एक्सचेंज होते थे। K2 पे जब गया है इस दफ़ा, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कोई स्पॉन्सरशिप मिले, लेकिन नहीं मिली। तो जाहिर है जॉन सनोरी के साथ लास्ट ईयर भी था वो K2 पे, इस दफ़ा भी गया, और जॉन जो है वो किसी और ने प्लीज़ टीम के साथ क्लाइंट था और अली उनका साथ था। तो इस दफ़ा जॉन अली को लेके गया और उनके बेटे साजिद को। तो जाहिर है आपको पता है जो ऑर्गेनाइज करता है तमाम डिसीजंस, टाइमिंग वगैरह उसी के होते हैं। तो जिन मुश्किल हालात में ये थे वहाँ गए हैं एक्लमाटाइजेशन के लिए, बहुत पहले गए थे ये, और बाद में आके नेपाल की जो टीम थी उन्होंने एक्लमाटाइजेशन नेपाल में की थी। तो आके उन्होंने वो तैयार थे, जल्दी में टीम अप करके दो टीमें आपस में मिली, उन्होंने जाके क्लाइम किया, और वो बहुत लकी थे। वेदर आपने भी देखा होगा, एक्सट्रीमली क्लियर वेदर और फेवरेबल वेदर मिल गया उनको, तो कर गए। वो जाहिर है मैंने भी देखा है माउंटेन्स पे, जब कोई और टीम आपके उसी रूट पे ही उसी पहाड़ पे हो तो एक कुछ प्रेशर भी पड़ता है, तो फिर आपको वेदर विंडो ढूंढना पड़ता है। वेदर बदकिस्मती से जब अली ऊपर गया है और बाकी लोग गए हैं, तो K3 के बाद 16-17 लोग वापस आए नीचे, लेकिन अली और ये तीन लोग, उनका बेटा और दो और जो साथी थे, वो ऊपर गए। तो यकीन जाने रात मैं, मेरे एक और सरबाज यंग क्लाइंबर है हमारा, उनके साथ मैं कम्युनिकेशन में था। रात को 3 बजे मैंने कहा, यार बहुत परेशानी है, कोई ख़बर नहीं है, ऊपर से रबता नहीं है। तो चूंकि सरबाज अभी K2 बेस कैंप से आया था, वो रबते में था लोगों के साथ, मैंने कहा कि खुदा के लिए किसी तरीके से भी साजिद को आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है, बेस कैंप वालों को, लेजन अफसर है या जो भी हूँ, कह के इनको किसी तरीके से सेफली नीचे उतारे, चूँकि बहुत यंग है, जज्बाती हो गए, कहीं वालिद वगैरह की वजह से परेशान हो गया, अकेला ऊपर जाएगा तो मुश्किल होंगी। तो हम 3 बजे तक तो रहते हैं, हमने नींद हराम की हैं, चूँकि छोटे भाई की तरह था मेरा अली, बहुत करीब था मेरे दिल के, और जाहिर है हम इतनी सी छोटी सी कम्यूनिटी है, क्लाइंबिंग कम्यूनिटी, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, बैकग्राउंड हमारा मिलता जुलता है। मैं भी एक फार्मिंग फैमिली का हूँ, वो भी डिफरेंट वैलीज से हैं बेशक। तो इस तरीके से हमारी एक दूसरे के लिए केयर था, सारा कुछ करके फिर परेशानी। फिर टेलीविज़न वाले, जहाँ भी मेरी बात हुई है, मैंने बहुत अच्छे अल्फाज में
उनको याद किया है, क्योंकि वो इस काबिल हैं एज एन इंसान और एज ए क्लाइंबर। वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक शख्सियत के मालिक थे। वो पाकिस्तान के जो मौजूदा क्लाइंबिंग कम्युनिटी है उनमें सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी हैं। सबसे ज़्यादा पीक्स क्लाइंब किए हैं और विंटर में नंगे पर्वत करना कोई मामूली बात नहीं है। ही वॉज लिटरली यू नो ड्रैगिंग पीपल अप, वो लीड करता गया नंगे पर्वत पे। तो वो उसकी अचीवमेंट्स है, इसलिए पूरी दुनिया में उनकी रिकॉग्निशन है और तालीम के लिए है और हर चीज़ के लिए। ज़ाहिर है बैकग्राउंड ऐसा था कि हम सब यू नो जहाँ भी जाते हैं कम अज़ कम बात करते हैं तालीम और बाकी चीज़ों के हवाले। जो जिस क्लिप की आप बात कर रहे हैं वो ये हुआ है कि मैं इन दिनों में जब क्राइसिस चल रहा है K2 पे, तो ज़ाहिर है मैंने एवरेस्ट और K2 दोनों क्लाइम किए हुए हैं, तो इसलिए बहुत सारे टेलीविज़न और मीडिया ने मुझे रब्ता करने की कोशिश की। मैंने अवॉइड तो किया अब कुछ को, लेकिन कुछ लोगों ने पकड़ लिया। तो वहाँ जो कुछ हो सका मैंने अच्छे अल्फाज में अली को याद किया है और ज़ाहिर है जो बातें हुई हैं क्लाइंबिंग के हवाले से जो मेरे नॉलेज में थी बातें K2 के ऊपर। तो जब जिस क्लिप की आप बात कर रहे हैं वो इस तरह हुआ कि एक दो प्रोग्राम्स के बीच में मैं फंसा हुआ था। मैं जल्दी में था कि एक बंदे ने आके मास्क लगा के ऐसे कुछ सवाल पूछे, ट्रिकी सवाल थे उसके, तो उनका मैं स्ट्रेट जवाब दिया। मैंने थोड़ा डिप्लोमेसी नहीं की, ज़ाहिर है कुछ अल्फाज के चुनाव में शायद मुझसे गलती हुई। और मैं उसका यही कह सकता हूँ कि मैंने देखा है इंटरेक्शन ज़रूरत से ज़्यादा। एक तो वो लोग हैं जिनका पहाड़ों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है लेकिन जज्बाती हैं, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ। चूँकि कौम का हीरो था, सारी जहाँ कौम दुआएं कर रही हैं उसकी ज़िंदगी के लिए और उसके साथियों के लिए। तो उस हवाले से अगर किसी को मेरे अल्फाज से कि किसी की दिल आज़ारी हुई है उनकी फैमिली की, रिश्तेदारों की, चाहने वालों की, तो मैं माजरत खा हूँ क्योंकि इंसान है। ज़ाहिर है मुझे गुस्सा था क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लेम करते थे, अली को ब्लेम कर रहे थे कि उसको वापस आना चाहिए था, और कुछ लोग वो भी कह रहे थे कि सुसाइड पे गए हैं ये यू नो वो लोग, जो यहाँ तक भी कहते हैं कि माउंटेनियरिंग को बैन करना चाहिए। आप भरा हुआ है सोशल मीडिया में, आपने भी देखा होगा। तो ये सारी बातें मैं उसको डिफेंड करने के लिए कह रहा था कि अली का डिसीजन नहीं था, क्योंकि इन ए वे वो जान का दोस्त भी था लेकिन डिसीजन पावर उसके पास नहीं था। मैं भी हूँ तो मेरे साथ भी ये, मैं जापानीज के साथ K2 पे गया तो तब मैं आई वॉज़ अगेंस्ट क्लाइमर, मैं मेरा डिसीजन तो नहीं था, वो लीडर करता था सारी डिसीजन। तो मेरा ये कहना का मतलब था कुछ ये कहते कुछ अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसको बहुत बड़ा चढ़ा के। और एक ये यूट्यूबर ने मुझसे लिया था ये क्लिप, आई वॉज़ नॉट अवेयर, पहले से हमारी कोई बात नहीं हुई थी। एकदम मैं जा रहा था पकड़ के, उसने कोई ऐसा अल्फाज उसने सवाल किए कि आई वॉज लिटल अपसेट। मैं पहले ही किसी से बहस करके आया था जो अली को ब्लेम कर रहे थे। तो डिसीजन मेकिंग तो उस बेचारे की नहीं थी, ज़ाहिर वो जो गेस्ट था उसने सारा इन्वेस्ट किया था, पिछले साल भी आया, इस साल भी आया, तो कुछ हद तक तो डिसीजन यू नो उनका होगा, अली को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तो उनको डिफेंड कर रहा था। मैंने भी सुना है कि ख़ास तौर पे एयरफोर्स 730 भी शायद जाएगा, मौसम की मुश्किलात हैं, मौसम बहुत ख़राब है आजकल K2 पे, इसलिए वो मिशन थोड़ा सा डिले हुआ है। और सुना है, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है कि इसमें कुछ भी मुमकिन है, यू नो उम्मीदें लगा सकते हैं कि कुछ स्ट्रेस हो, लेकिन बहरहाल अगेन मेरी हमदर्दियां हैं तमाम फैमिलीज़ के साथ, और जैसे मौका मिलेगा मैं कोशिश करके जाऊँगा उनकी फैमिली को मिलने। तमाम हमदर्दियाँ हैं, उनके एहसास का मुझे अंदाज़ा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम तो अल्पाइन क्लब की तरफ से रिकमेंडेशन भेजेंगे। आई थिंक ही डिज़र्व्स द हाईएस्ट अवार्ड इन दिस कंट्री, क्योंकि बहुत अपने लेवल पे उसने अचीव किया है इस मुल्क के लिए, आसमानों में पहुँचा है हिलाली झंडे को और पाकिस्तान के नाम को।
तो ही डिज़र्व्स द हाईएस्ट अवार्ड। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो उनको इससे नवाजा जाए। ज़ाहिर है ही डिज़र्व्स इट फॉर हिज अचीवमेंट्स।